करती हूँ, सब अच्छे होंगे। और आज हम बनाएंगे इस वाले फैब्रिक से राउंड पिलो कवर, कवर नहीं पिलो ही बनाएंगे पूरा, उसके अंदर जो फिलिंग डलेगी वो भी बनाएंगे। तो ये कपड़ा है, देख सकते हैं आप, और थोड़ा सा इसमें से भी यूज होगा, तो इन दोनों से बनाएंगे। और जो फिलर बनाऊंगी मैं, वो बनाऊंगी मैं इससे। ये मेरे पास एक पुरानी बेड शीट है, तो इससे मैं इनकी गद्दी बनाऊंगी। तो गद्दी बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, और ये उसके ऊपर फिर कवर जो बनाएंगे उसका तरीका भी बताऊंगी। और ये मैंने मंगवाई है फाइबर 2 किलो, अमेजोन से मंगवाई है। अगर आपको लोकल में मिल जाती है तो आप लोकल शॉप से ले सकते हैं। हमारे यहाँ भी लोकल शॉप खुली नहीं थी, मैंने कई बार ट्राई किया, लेकिन अब फिर मैंने अमेजोन से मंगवाई है ये। तो इसका लिंक भी मैं दे दूंगी वीडियो में, अगर आपको मंगवानी है तो मंगवा सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अब। और इस कवर को आप, अगर आपके पास कोई ओल्ड दुपट्टा पड़ा है वर्क वाला, उससे भी बना सकते हैं। मैं तो ये कपड़ा लेके आई थी मार्केट से, मतलब तो अगर आपको अच्छा कोई डिजाइनर सा आपका दुपट्टा है, कोई सूट फट गया दुपट्टा रखा है, तो आप उससे भी इस तरह का ट्राई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि कैसे बनानी है, पहले गद्दियाँ देख लेते हैं। तो ये मैंने डबल को, नहीं इसको चद्दर को ना डबल करके बिछा लिया है। तो इससे हम, ये मैंने परात लिए एक सर्कल काटने के लिए, लेकिन मुझे इससे थोड़े से बड़े बनाने हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको 2 इंच के आसपास और एक्स्ट्रा जगह छोड़ते हुए इसके चारों तरफ और इसके पास ना सर्कल ड्रॉ कर लूँगी एक। और देखो मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ। आपको अगर किसी भी साइज का बनाना है तो आप उसी साइज का सर्कल ले लें, नहीं तो अगर इस साइज का बनाना है तो जैसे मैं काट रही हूँ ऐसे भी काट सकते हैं। तो मैंने ये डबल काट लिया है, तो एक तो मेरा ये हो जाएगा और दूसरा भी मैं अब कटिंग कर लूँगी इसी को रख के। तो अब मैं ये जो मैंने काटा है सर्कल, इसी को रख के दूसरा सर्कल भी काट लूँगी, क्योंकि मुझे 2 बनाने हैं। तो आप अच्छे से इसको फैला लें और इसकी कटिंग कर लें। तो हमारे ये गद्दियों के लिए सर्कल कट के तैयार हो गए। देखो ये है और ये 2 तकिए बनने, 2 मतलब 2 गद्दियाँ बन जाएंगी इनसे। और इनके साइड में पट्टी लगाने के लिए अब हम पट्टी निकाल लेते हैं। तो जो ये बाकी की चद्दर बची है, इसमें से मैं 4.5 इंच चौड़ी एक लंबी पट्टी उतार लूँगी, पूरी 2 उतारूँगी, मतलब दोनों उसमें तकियों में लगाने के लिए। तो इस तरह आप निशान लगा के 4.5 इंच, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा थोड़ा थोड़ा सा दोनों तरफ, तो ये 4 इंच बच जाएगा हमारा। तो इस तरह लंबी पट्टी मैंने ये निकाल ली है दोनों। तो अब हम इसकी सिलाई शुरू कर देते हैं। हमने एक घेरा ले लिया है इसके ऊपर, ये ऐसे दोनों को रखते हुए जैसे भी सिलते हैं, ये तो आप भी जानते हैं कि किस तरह सिला जाता है। घेरा सीधा रखा है और पट्टी उसके ऊपर उल्टी, और चारों तरफ ऐसे हल्का हल्का करते हुए, और कोई दिक्कत नहीं होती इसे सिलने में, बहुत आराम से लग जाता है इसके चारों तरफ। और जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी ना उसे हम बाद में काट देंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितनी एक्स्ट्रा है ये इतनी एक्स्ट्रा है इसमें से। तो इसे मैं काट दूंगी और इसे मैं अभी जोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे इसमें रुई भी भरनी है। तो अब इसे मैं जो दूसरा सर्कल है इसके ऊपर गद्दी का, वो भी इस पर अटैच कर दूंगी। तो जैसे हमने नीचे वाला अटैच किया वैसे ही हम इसे भी अटैच कर देंगे। अरे यह बनाना बहुत आसान है, मार्केट में यही चीज़ आप लेने जाओ, एक कुशन कम से कम है 500 रुपये का मिलेगा आपको ये। तो ये देखो एक गद्दी बन के तैयार हो गई है, मैं आपको सीधी करके दिखाती हूँ इसको कि ये कैसी बन के तैयार। अभी तो आपको कुछ ज़्यादा इसका पता नहीं लगेगा लुक, जब इसमें हम फाइबर भर देंगे तब इसकी शेप अच्छी आएगी। तो ये इस तरह की बन के तैयार हुई है, ऐसे ही हम अब दूसरी भी बनाएंगे। और ये जगह छोड़ी है, इसे हम रुई भर के उसके बाद इसे बंद करेंगे। तो अब दूसरी सिल लेते हैं। देखो ये दोनों मैंने सिल के तैयार कर दी हैं, जैसे पहली सिली थी वैसे ही ये सिली। अब हम ये फाइबर भर, जो मैंने फाइबर मंगाई है ये फाइबर इसमें भरेंगे। अगर आपके पास कोई पुराना तकिया है उसमें रुई है तो आप वो भर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत पुराने कपड़े हैं तो उन कपड़ों को ना पतला पतला काट लीजिए, कतरन बना लीजिए उनकी, तो वो कतरन भी हम इसमें भर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप इसमें क्या भरना चाहते हैं। अगर फाइबर भरना चाहते हैं या रुई भरना चाहते हैं या पुराने कपड़े काट के कटिंग करके कतरन भरना चाहते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो ये एक मैंने भर दिया है, देखो ये ऐसा तैयार हुआ है एक। और अभी मैं इसको सिल लूँगी, अच्छे से दबा दबा के भरा है पूरा। अब ये दूसरा भी भर लेते हैं।
ये मैंने 2 किलो फाइबर मंगाई थी, इसमें 1 किलो के आसपास लग गई, आधी फाइबर लग गई है दोनों तकियों में, क्योंकि काफी बड़े हैं ये, छोटे होते तो शायद 3 भी बन जाते 1 किलो में। तो अब मैं इसको जो ये खुला हुआ हिस्सा है ना, इसको इसको सुई से अच्छे से सिल दूंगी ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि मशीन तो अब चलेगी नहीं, काफी मोटे हो गए हैं, फूल गए हैं, तो इसलिए सुई से ही मैं इसको पूरा स्टिच कर दूंगी दोनों तकियों को। अब हम देख लेते हैं, देखो ये मेरा बनकर तैयार हो गया है। अब हम देखो, मैंने ना इस परात से सर्कल काटा था इसका, तो ये इसके इधर आ रहा है, लेकिन मैं इससे भी छोटा सर्कल काटूंगी, तो ये इस थाली से मैं ये यहाँ से इसके चारों तरफ कपड़ा लगेगा, तो ये वाला सर्कल मैं इस वाले कपड़े में से निकाल लूंगी। तो यहाँ पे रखा है ऐसे, ऐसे मार्किंग कर लूंगी। इसी के साथ एक और कर लूंगी, और मार्किंग बहुत जरूरी है, नहीं तो चीजें थोड़ी सी छोटी बड़ी हो जाती हैं, तो बड़ी समस्या होती है। तो इसको कट कर लेते हैं, एक सर्कल मेरा ये तैयार हो गया, और अपना ये वाला भी निकाल लेते हैं। ये देखो मेरे दो सर्कल ये बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें लाल वाला कपड़ा कितना लेना है हमें, ये हमें यहाँ रखना है ऐसे, और ये वाला कपड़े से हमें यहाँ से देखो यहाँ से इस तरह थोड़ा सा मुड़ेगा भी, तो थोड़ा अंदर को कर लो ये, नहीं तो इतना एक्स्ट्रा ले लो, ये यहाँ रख के, और हम इसको यहाँ पे ये यहाँ पे इसका सेंटर देख लेंगे। तो यहाँ चाहिए इतना कपड़ा हमें, थोड़ा सा इसमें यहाँ सेंटर आ रहा है, तो इतना कपड़ा हमें एक्स्ट्रा चाहिए नेफा मोड़ने के लिए इस तरह, तो हमें इतना कपड़ा चाहिए ये। आप जितना भी बड़ी गद्दी बनाए उसके अकॉर्डिंग देख ले, इन चीज़ में तो मैंने नापा नहीं है, क्योंकि ये मैंने इसी तरह आपको दिखा रही हूँ। यहाँ रखेंगे, यहाँ पकड़ के इसको, और यहाँ सेंटर में ले आएंगे इसको, तो यहाँ सेंटर है इसका, सेंटर से नेफा मोड़ने के लिए इतना एक्स्ट्रा ले लेंगे, बस इतना हमें कपड़ा चाहिए इसके लिए। और लंबाई कितनी चाहिए मतलब इसके घेर के लिए, वो हमें जितना ये इसका पूरा ये डायमीटर है इतना, इससे डबल चाहिए, डबल जितना इसका ये डायमीटर है, मतलब आप देख सकते हैं ये जो डायमीटर है इसका यहाँ तक, इसका डबल कपड़ा चाहिए हमें डबल, क्योंकि हम इसमें भरेंगे चुन्नटे, तो आप इसका इस तरह डबल कपड़ा ले लें, तो आपको बढ़िया परफेक्ट पिलो बनेगा आपका। अब मैंने ये कपड़ा काट लिया अपनी गद्दी के अनुसार, जितनी गद्दी का वो बैठा है, मतलब जहाँ मैंने अभी आपको रख के दिखाया उसके हिसाब से। तो अब इसमें मैं एक तरफ नेफा मोड़ दूंगी, नेफा मतलब जैसे हम सलवार में एक तरफ से इलास्टिक डालने के लिए, नाड़ा डालने के लिए मोड़ते हैं, तो उसी तरह हमें ये मोड़ कर तैयार करना है। और ऐसा नाड़ा डालने के लिए दोनों तरफ इसमें हम थोड़ा सा अंदर को मोड़ देंगे, जिससे आसानी हो। और अब हम इन्हें दोनों को पकड़ के इस तरह, और इसमें सीधी सिलाई कर देंगे, मतलब इसको सर्कल बना लेंगे एक तरह से, बिल्कुल गोल कर देंगे, जो इसके खुले हुए पार्ट थे उन्हें आपस में जोड़ देंगे दोनों को। पहले नेफा मोड़ना है, उसके बाद इन्हें दोनों को आपस में जोड़ देना है। इसके बाद हम इसमें फिर दोनों तैयार कर लेने हैं आपको इसी तरह करके। फिर इसके बाद जो हमने सर्कल काटा है इसके ऊपर इस कपड़े को रख के इस तरह इक्वल इक्वल चुन्नट भरेंगे। आप 1 इंच के आसपास की चुन्नट भर सकते हैं, और एक दूसरे के ऊपर मतलब ऐसे एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ानी है, तो थोड़ा सा हल्का सा गैप रखते हुए, बस एक पैर का जैसे रखते हैं कि बहुत नन्ना सा गैप रखते हुए चुन्नट डालते चले जाएं इसमें पूरे में। और कोई दिक्कत नहीं होती कि ये गोल है तो इसमें भरेगी नहीं, आसानी से आप कपड़े को थोड़ा सा एडजस्ट करते रहें और घुमाते रहें, तो ये बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसको करने में। देख सकते हैं आप मैं कितनी आसानी से कर रही हूँ, अगर आपको लगे तो नीचे वाले कपड़े को हल्का सा दबा लीजिए। तो इसी तरह करते हुए मैं इनमें पूरे में चुन्नट भर लूँगी, और दूसरे वाले को भी तैयार कर दूँगी। देखो ये
पहले वाला चुन्नट भर का तैयार हो गया। तो ये कुछ इस तरह का आया है, ये इसकी बैक साइड, और देखो ये बिल्कुल परफेक्ट फिट हुआ है। अब ये दूसरा भी तैयार हो गया है, तो ये भी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूंगी एक रिबन, जिससे हम नाड़े को इसको कस देंगे बहुत अच्छे से। तो मैं रिबन ही डाल रही हूँ इसमें, आपके पास नाड़ा हो, सुतली हो, आप कुछ भी डाल सकते हैं। और इस तरह इसको, गद्दी को इसमें रख के इसको अच्छे से कस देंगे और एडजस्ट कर देंगे इसकी चुन्नटों को थोड़ा सा घुमा के, क्योंकि एकदम कसते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस तरह आप इसको एडजस्ट करके चारों तरफ चुन्नट को इक्वल इक्वल कर दें और बिल्कुल टाइट गिरह लगा दें इसमें। देख सकते हैं आप कितने सुंदर से हुए हैं। और चाहे तो आप इन्हें ऐसा भी रख सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं रख सकते तो अभी मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। चाहे तो आप इन्हें ऐसे ही लगा सकते हैं जैसे ये अब तैयार हुए हैं, देख सकते हैं आप अभी मैं आपको सोफे पे। और अगर आपको इन्हें बिल्कुल बाजार जैसा लुक देना है तो उसके लिए आपको एक बड़ी सुई लेनी है, उसमें धागा डाल लेना है, और इस तरह का बटन हो अगर आपके पास तो आप इस तरह के बटन ले लें, लकड़ी का बटन ले लें जैसा आपके पास हो उस तरह का। और ये आपको कैसे लगाना है, जैसे ये यहाँ से है, इसको यहाँ सेंटर में से इस तरह सेंटर में से यहाँ से सुई डालनी है आपको ये, और ये दबाते हुए सुई आर पार निकाल लेनी है। ये देखो ये इधर सुई आ गई है, ये मैंने निकाल लिया सुई इधर, और ये इस तरह बटन को डाल लेंगे इसमें, यहाँ से रखेंगे। देखो मैंने ये इधर से सुई डाल ली थी और इधर निकाल ली, इधर से डाल के अब एक बार वापस से फिर ऐसे ही कर दूंगी, नहीं पीछे ले आऊंगी सुई को। ये इस तरह देखो, ये इसमें बटन लग गया है, और यहाँ पे अच्छे से इसको लॉक कर दूंगी धागे को, जो आप कट कर सकते हैं। देखो ये आपका बिल्कुल मार्केट जैसा पिलो बन के तैयार हुआ है। ऐसे ही मैं इसमें भी बटन लगा दूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। देखो हुए ना बिल्कुल मार्केट जैसे पिलो बन के तैयार, जो बीच में से दबे हुए रहते हैं। और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बनाना, आप किसी भी तरह इसको अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, मुड्डी पे रख सकते हैं। देखो मैं आपको सोफे पर रख के दिखा रही हूँ, मैं ऊपर लेके आई उनको अब के रूम में, देखो कितने जच रहे हैं ना ये, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरह आप बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुए हैं, देख सकते हैं आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इतने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। और बैक में ये कपड़ा लगाया है, और अभी जब भी आपको इसे धोना हो ना तो इस धागे को काट के बटन निकल जाएगा, बटन वापस लगाना पड़ेगा आपको जब धोएंगे, नहीं तो आप इसको, जो ये कॉटन वाली रुई होती है ना उसको तो हम पानी में डुबोते हैं तो वो ऐसे हो जाती है, इसको आप इसके फिलिंग सहित भी धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कवर उतार के धो ले। अब मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है इन्हें बनाने की, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना अच्छा लग रहा है। और जब अपनी बनाई हुई चीजों से घर को सजाते हैं ना, ओहो उसकी बात ही अलग है। तो आप भी बनाइए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज लाइक करके जाएं, और अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और जो भी मैंने मेहनत की है वो आपके सामने है। तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्ते एंड बाय बाय।